हेलो सो थर्ड एस इन योर कोर्स मोर देन हंड्रेड मिलियन वेमेन आर मिसिंग बाय अमरत्या सेन क्या है कुछ दस करोड़ से ज़्यादा औरतें मिसिंग हैं दुनिया में उसके बारे में अमरत्या सेन हमको बताएंगे अमरत्या सेन वॉज बॉर्न इन 1933 आपने इनका नाम सुना होगा शायद वन ऑफ द मोस्ट फेमस इकॉनमिस्ट इंडिया से हैं ही वॉज बॉर्न इन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल और ऐसा माना जाता है कि इनका जो नेम है अमर्त्य वो यानी इमोर्टल ना मरने वाला वो टेगौर रबिंद्राथ टेगोर ने इन्हें दिया था और ही कम्प्लीटेड इज पी एच डी फ्राम केम्ब्रिज इन इंग्लैंड और तेईस साल एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री इज फर्स्ट अपॉइंटमेंट वॉज एज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक्स एट जादवपुर यूनिवर्सिटी कैलकटा सो इसी से आपको आइडिया लग सकता है कि क्या किस तरह के स्कॉलर थे अमरत्यासेन जादवपुर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन आर कंट्री और तेईस साल की उम्र में ये वहाँ एज हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर बन गए थे इकोनॉमिक्स के इसके अलावा यह स्टॉट इन हार्वर्ड कैम्ब्रिज ऑक्सफर्ड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स के लिए फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी उस तरह का अर्थशास्त्र जो लोगों के हित के बारे में सोचता है वेलफेयर के बारे में सोचता है खास कर की जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हों गरीब वर्ग हों उनके प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है तो इस सब के चलते ही रिसीव द नोबेल प्राइज 1998 और अगले ही साल में क्योंकि अब क्योंकि क्या है नोबेल प्राइज़ मिल गया है वेस्ट से इतनी अब इज्जत मिली है तो फिर इंडिया में भी इन्हें 1999 में हमने भारत रत्न दिया कमिंग टू दी एस से इट्स बेसिकली एन एक्सट्रैक्ट एक इससे भी लॉन्गर आर्टिकल है विद द सेम नेम जो कि 1990 कुछ 20 साल पब्लिश हुआ है हालांकि इट स्टिल रेलिवेंट टू अस द थिंग्स ही टॉक्स अबाउट तो न्यूयॉर्क रिव्यू बुक्स में एक दिन आर्टिकल पब्लिश हुआ था और इसी का कुछ भाग आपके कोर्स में है तो इसमें क्या ये इशू ऑफ़ वुमेन्स इन इक्वालिटी जो औरतों का जो समाज में कम दर्जा है मर्दों की तुलना में उसके बारे में बात करते हैं स्पेशली टॉक्स अबाउट द हायर मोर्टैलिटी रेट अमंग वुमेन की जितने भी मान लीजिए सौ अगर औरतें पैदा होती है सौ लड़के पैदा होते हैं सौ लड़कियाँ पैदा होती है तो मोरटैलिटी रेट यानी कि उसमें से सौ में से कितने जीवित रहते हैं या फिर कितने मर जाते हैं उसका परसेंटेज तो ऐसा माना जाता है कि औरतों का ज़्यादा हायर मोर्टैलिटी रेट है यानी जितनी औरतें जन्म लेती हैं उस उस उसका काफ़ी प्रोपोर्शन क्या है मर्दों की तुलना में ज़्यादा वो जीवित नहीं बचते हैं एज चिल्ड्रन सो दैट इज़ वाई हायर मोर्टैलिटी रेट और इसी के चलते वो एक अपनी थ्योरी देते हैं कि दस करोड़ कुछ औरतें मिसिंग है दुनिया में एक तरफ से इट्स वेरी आप इसे बड़े सिंपल तरीके से ले सकते हैं कि यूरोप नॉर्थ अमेरिका जापान जैसे जो अमीर देश है डेवलप्ड देश है उसमें कुछ हर सौ आदमियों के अगर आप रेशियो देखें फॉर एवरी हंड्रेड मैन देर आर हंड्रेड सिक्स वमेन या फिर वन पॉइंट जीरो सिक्स यानी औरतें वहाँ पर ज़्यादा है अब इस समाज में क्या है औरतों और मर्दों को कम से कम बेसिक जो चीज़ें हैं हेल्थ केयर हो गई एजुकेशन हो गई न्यूट्रिशन पालन पोषण ये सब सेम मिलता है तो ऐसा मान हम डायरेक्ट मान सकते हैं कि शायद इसकी वजह से औरतें ज़्यादा रहती है जबकि अगर आप देखें एशिया मोस्ट ऑफ एशिया नॉर्थ अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका में अगर आप देखें तो रेशियो कुछ 94 फोर टू हंड्रेड रहता है कि अगर 100 हर 100 आदमी का आप लें तो कुछ बस 94 फोर वीमेन मिलेंगी तो यानी कि कुछ पॉइंट रेशियो है कि हर 100 आदमियों के में से छः औरतें कम रहती हैं और इसी के चलते अमृत सेन बात करते हैं कि कुछ हंड्रेड मिलियन या फिर दुनिया में दस करोड़ औरतें मिसिंग है कैसा अब उसके वील जस्ट मूव ऑन टू दी एस एंड लुक इन टू दैट इट इज़ ऑफन सेट दैट अप अ मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अब ऐसा माना जाता है कि औरतें क्या एक मेजोरिटी है वर्ल्ड पॉपुलेशन में या कम से कम कम से कम 50 परसेंट तो होंगी आधा तो होंगे लेकिन ऐसा नहीं है दे डू नॉट दिस मिस्टेकन बिलीफ इज बेस्ड ऑन जनरलाइजिंग एक जनरलाइजिंग की जाती है फ्रॉम द सिचुएशन इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे जैसा हमने बात किया रेशियो हायर है कुछ 1.05 या 1.06 जबकि साउथ एशिया वेस्ट एशिया चाइना जैसे देशों में रेशियो 0.94 तक भी गिर सकता है अब एक तो पहली बात आ जाती है बायोलॉजी बायोलॉजी के बारे में कि क्या ऐसा कुछ फ़िज़िकली या बायोलॉजिकली जन्म से ही कुछ औरतों और बॉयज़ तो और, uh, और गर्ल्स में कुछ ऐसा अंतर है कि ज़्यादा औरतें क्यों बचती हैं अगर दोनों को समान एजुकेशन न्यूट्रिशन हेल्थ केयर मिल रहा है तो जैसा हमने डेवलप्ड देशों में देखा ज़्यादा औरतें बचती है 106 या 105 के रूप में सो वाई इज दैट डज दिस मीन दैट वीमेन आर बायोलॉजिकली स्ट्रॉगर ऐसा कहा जा सकता है कई रिसर्च ने ऐसा बात भी किया है सो so कहीं ना कहीं मे बी वीमेन डू हैव एन एडवांटेज हाँ सो अमर्थ्या सेन का कहना है कि ये इतना भी सिंपल नहीं है जैसा हम बात कर रहे हैं कि अगर दोनों डेवलप्ड देशों में मर्द औरत को दोनों समान चीज़ें मिलती है तो इसलिए औरतें ज़्यादा बच पाती क्योंकि बायोलॉजिकल स्ट्रोंगर है ही सेज़ इसके कारण कई और भी हो सकता है जैसे कि मैन माइट बी इंगेज इन यू नो हायर रिस्क वर्क जैसे कंस्ट्रक्शन आर्मी जहाँ पे मौत ज़्यादा होती है या फिर क्या है मैन शायद ज़्यादा स्मोक करते हैं ड्रिंक करते हैं ड्रग्स लेते हैं कई कारण वो इन चीज़ों की बात करते हैं बट कहीं ना कहीं फिर से वो एटलीस्ट अमर्थ्य से इनको लगता है कि वीमेन डेफिनेटली हैव अ बायोलॉजिकल एडवांटेज की यानी बाय नेचर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा रेजिस्टेंट है बीमारियों के खिलाफ और इसलिए वो ज़्यादा जीती है और ऑन दी अदर हैंड जब हम एशिया या फिर नॉर्थ अफ्रीका की बात करते हैं तो एक तरह से आप सीधा बोल सीधा सीधा बोल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे क्या है एक वैसे ही हमारे समाज में पिछड़े समाज में शायद एक औरतों को हम अलग तरीके से देखते हैं वी प्रेफर बॉयज़ भ्रूण हत्या ये सब टाइप की चीज़ें होती है तो इस इस केस में सो जो गर्ल चाइल्ड है उसे पोषण न्यूट्रिशन कम मिलता है शायद जैसे यू नो लड़कों को पहले आप खाना खिला देते थे लास्ट में फिर लड़कियों को या फिर हेल्थ केयर जैसे अगर लड़का बीमार पड़ा तो आप उसको एकदम से हॉस्पिटल ले जा रहे हो लड़की बीमार पड़ी तो शायद आप गांव में कहीं झाड़ फूँक करवा दो तो इस तरह की चीज़ें हैं लेकिन ये भी कुछ पक्का नहीं है आई थिंक फैक्टर्स जो अमर तसिन बात करते हैं कि और कई कारण हैं तो इसी क्लेम को वो थोड़ा रिफ्यूट करते हैं कि अगर हम तीस थर्ड वर्ल्ड की बात करें पिछड़े देशों की बात करें तो उसमें जो सब सहारन अफ्रीका है जो सहारा के नीचे का अफ्रीका है तो उसमें क्या हालांकि बहुत ही गरीबी है अकाल है भूख है लोगों के पास पैसे नहीं है खाने को नहीं है लेकिन फिर भी रेशियो ऑफ विमेन टू मैन क्या है वन है यानी कि कुछ हर आ, सौ मर्दों के लिए एक औरतें हैं तो कई ऐसे वो और केसेस भी खड़े करते हैं तो इसलिए वो कहते हैं कि सिंपली बोलना कि गरीब देशों में औरतें कम होती है क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है औरतों को कम माना जाता है ऐसा भी इतना साफ साफ नहीं है इनफैक्ट एक देश में ही काफ़ी ये जो डिफरेंसेस हो सकते हैं जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा जो है वहाँ पर सबसे कम रेशो है कि पॉइंट यानी कि सौ मर्दों के लिए बस एटी सिक्स जबकि अगर आप केरला जैसे स्टेट को देखो तो वहाँ पे रेशियो 1.03 है जो कि बहुत ही ऑलमोस्ट डेवलप्ड देशों जितना है 1.05 पॉइंट जीरो फाइव वन पॉइंट जीरो सिक्स बट एट द सेम टाइम हेयर यू कुड आर्ग्यू कि केरला में लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा है भारत में लेकिन इसकी बात सेन नहीं करते हैं अब आते हैं जो मेन जो टॉपिक है इस ऐसे का कि हंड्रेड मिलियन मिसिंग एक याद रखिएगा दिस वॉज रिटर्न एज एन आर्टिकल फॉर अ मैगजीन तो ऐसे में क्या है हेडलाइन आपको कुछ सॉलिड चाहिए कैची चाहिए जिससे लोग वो आर्टिकल पढ़ना चाहें तो इसीलिए हंड्रेड मिलियन वेमेन आर मिसिंग दस करोड़ औरतें मिसिंग हैं गायब हैं एक ऐसा टाइटल है कि आपका इंटरेस्ट जगाता है आप उस आर्टिकल को पढ़ना चाहेंगे तो इसके बारे में वो बेसिकली बड़ा एक सिंपल एक तरह से इकोनॉमिक्स या नंबरों का खेल है जो कि अमरत्यासैन हमें बताते हैं कि अगर आप जो अब तक बात कर रहे थे जो डेवलप्ड जो कर देश हैं कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें रेशियो क्या है वन पॉइंट ज़ीरो फाइव या सिक्स है दूसरे क्या है जो पिछड़े देश हैं वहाँ पे ज़ीरो पॉइंट नाइन फोर है तो उनका मानना है कि अगर डेवलप देशों में हम ये जमशन मान कर चलते हैं कि अगर औरतों लड़का लड़की औरत औरत और मर्द को सेम सुविधाएं मिले चाहे मेडिकल हो या एजुकेशनल हो या न्यूट्रिशनल हो तो ऐसे में क्या है औरतें ज़्यादा जिएंगी तो पॉजिटिव रेशियो रहेगा विमेन टू मेन और तो उनका मानना है कि आइडियल अगर हम स्थिति अगर सब कुछ जो सर्कमस्टांसिस है परिस्थितियाँ अगर बिल्कुल आदर्श तरीके में रहे जैसे डेवलप देशों में रहती हैं इक्वालिटी रहे बराबरी रहे औरत और मर्द में तो हमेशा पॉजिटिव रेशियो होगा क्योंकि औरतें आर बायोलॉजिकली स्ट्रॉगर बीमारियाँ से वो ज़्यादा लड़ पाती है ऐसा ये सब सेन बताते हैं तो इसमें ऐसी स्थिति में अगर हम इस आदर्श रेशो को 1.05 मानकर चले तो अगर यही 1.05 पॉइंट रेशो आप पूरी दुनिया में अगर अप्लाई करना चाहें तो उसके द्वारा ये नंबर आता है और जो कि सेन बताते हैं कि अगर इस आदर्श को आप लेकर चलें और उससे आप उसे इसकी तुलना करें या कंपेयर करें तो ऐसे में क्या है दुनिया में 100 मिलियन वेमेन या फिर 10 करोड़ औरतों की कमी है जिन्हें इस दुनिया में होना चाहिए था कायदे से लेकिन वो नहीं हुई क्या कारण है उस पर जैसे हमने कुछ कुछ बात की आर्थिक स्थिति या फिर कल्चरल फैक्टर्स लेकिन सेन का मानना है कि इतना सिंपल भी नहीं है इन चीज़ों का जवाब और हमें थोड़ा कुछ और बारीकी में घुसना होगा तो एक तरफ़ सेन कहते हैं अफकोर्स कि ये जो आप स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो या फिर ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे हो कि वेस्ट में औरतों को ज़्यादा फ्रीडम uh, है ज़्यादा दर्जा दिया जाता है ये सब है इन बातों में डेफ़िनेटली कुछ सत्य है लेकिन उनका मानना है कि ओवरऑल ये इतना कोई आप सिंपल जवाब भी नहीं है इन चीज़ों का कि जैसे कि वो कुछ एग्जांपल्स देते हैं बल्कि उनका मानना है कि देर इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन यानी कल्चरल सोशल और इकॉनमिक फैक्टर्स ये जो सामाजिक uh, सांस्कृतिक और आर्थिक जो कारण है उन सब का एक मिश्रण लेते हुए कुछ बहुत ही क्या है कॉम्प्लेक्स रीजंस आते हैं जिसकी वजह से ये रेशियो ऐसा है और दुनिया में 100 मिलियन वेमेन मिसिंग है वो कहते हैं सिंपली पहली बात तो ईस्ट वेस्ट वाली चीज़ आप एक्सप्लेनेशन इसे आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते क्योंकि जापान ईस्ट में आता है लेकिन वहां पे पॉजिटिव रेशियो रहा है औरतों का जैसा कि नॉर्थ अमेरिका ये सब में है 1.05 या 1.06 का लेकिन अगेन इसमें क्या है कभी कभार राइटर जो है आप ये भी नोटिस कीजिए अगर राइटर कुछ कहना चाहता है या फिर जो तो वो ज़्यादातर क्या है वही कारण या फैक्ट्स लेता है या फिर शायद उन्हें बस वही दिखते हैं जो उनकी जो वो कहना चाहते उससे मेल खाते हो इसमें ये नहीं क्योंकि अमर सेन यहाँ पे ये नहीं बात कर रहे हैं कि वेस्ट ईस्ट की तो है लेकिन जापान इज़ आल्सो वन आग ऑफ द मोस्ट एक तरह से वेस्टर्न ईस्टर्न नेशंस अगर आप बात करें कि क्योंकि बहुत डेवलप्ड है बहुत अमीर देश है और काफ़ी एक एक कुछ मायनों में एटलीस्ट टेक्नोलॉजी ये सब के मामले में बहुत वेस्टर्नाइज भी हो गया है सो सेन डज नॉट टॉक अबाउट दैट ऑन दी अदर हैंड जैसे हाँ थाईलैंड है इंडोनेशिया और भी कई देश है इस एशिया में जहाँ पे औरतों की तादाद मर्दों के तुलना में ज़्यादा है तो ये सब वो कुछ कारण बताते हैं और वैसे एक और एक वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात उठाते हैं कि हालांकि जो साउथ एशिया है जहाँ पे हम हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल ये सब देश आते हैं वो कहते हैं दुनिया में सबसे लो रेशियो इस एरिया का है 0.94 इंडिया में है बांग्लादेश में है 0.90 पाकिस्तान में है जो कि लोएस्ट रेशियो है किसी भी बड़े देश का तो ऐसे में क्या कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान में हर हज़ार औरतों आ, मर्दों के लिए बस 900 औरतें बचती है तो ऐसे में इंडिया ईच अब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका चार जो यहाँ के जो मेन देश है साउथ एशिया के अगर आप कहें तो एक तरफ से रेशियो इतना कम है इन देशों में लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स के मामले में औरतें बहुत आगे आई है इनफैक्ट ये चारों देश में एक इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट रहा है इंडिया में इंदिरा गांधी रही है पाकिस्तान में भुट्टो बेनजीर बांग्लादेश में शेख हसीना श्रीलंका में अभी मुझे याद नहीं आ रहा है उनके भी एक फीमेल लीडर रही है इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट यू नो सो दैट वे तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा पैराडॉक्स भी है एक तरफ अगर आप कहते हैं कि औरतों का दर्जा कम है औरतें कम है लेकिन एट द सेम टाइम जो चीज़ अभी तक अमेरिका जो सबसे आगे फॉरवर्ड देश हम मानते हैं दुनिया में वहाँ पे कभी इलेक्टेड वेमेन प्रेसिडेंट नहीं रही है लेकिन ये चीज़ें सारे ही भारत साउथ एशिया के देशों में आ गई है पर्सनली इसमें अगेन इसके कारण में अमर सेन नहीं घुसते हैं लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे देशों में एक ऐसी टेंडेंसी हम औरतों को क्या है या तो बिल्कुल मानते नहीं और अगर मानते तो सीधा उन्हें बिल्कुल भगवान टाइप का दर्जा देना चाहते हैं जैसे माता सीधा भारत माता ही बना देते हैं ना तो इस टाइप की चीज़ें शायद ये कल्चरल फैक्टर्स हो अमर जैसे इन डज नॉट टॉक अबाउट देम और हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये जो भी लीडर्स गवर्नमेंट के जो औरतें रही हैं ऑल ऑफ देम केम फ्रॉम अपर क्लासेस लेकिन फिर भी अगेन लाइक आई सेड जो चीज़ अमेरिका जो लीडिंग लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड में नहीं वो इन छोटे देशों में डेवलप डेवलपिंग देशों में ऑलरेडी हो चुकी है सो देर इज़ अ पैटर्न है एट द सेम टाइम ऑल्सो अगर आप बस पार्लियामेंट्स uh, की बात करें लेजिस्लैचर्स की बात करें जहाँ की यू एस पार्लियामेंट में कुछ सिक्स पॉइंट फोर परसेंट है औरतों का वैसे ही इंडियन पार्लियामेंट में कुछ सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है कि सौ पूरे पार्लियामेंट में सेवन पॉइंट फाइव और परसेंट औरतें हैं और अगर आप यूएस पार्लियामेंटेरियंस की बात करें कुछ सौ में से बस दो औरतें उनमें से दो औरतें हैं जबकि इंडिया की बात करें राज्यसभा में तो कुछ नौ परसेंट औरतें हैं टोटल पार्लियामेंटेरियंस में से अब अमरते सेन दूसरे कारण पे आते हैं जो ईस्ट वेस्ट की जगह ही इज़ नाउ गोइंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ़ रिच एंड पुअर एंड ऑफ कोर्स ही सेज कि वो तो जाहिर सी बात है कि जो गरीब देशों में औरतों की हालत और भी ज़्यादा खस्ता होती है और कोई भी जो देश है जहाँ पर कैपिटा इनकम अगर काफ़ी ज़्यादा है हाई हाई ग्रॉस नेशनल जीएनपी एन पी है तो ऐसे में क्या है डेफिसिट uh, जो ये विमेन डेफिसिट विमेन मिसिंग वाली बात कम देखी जाती है सो अमर सेन कहते हैं दिस इज डेफिनेटली देयर लेकिन वो कहते हैं कि सिंपली आप इन चीज़ों को अर्थशास्त्र पर भी नहीं डाल सकते और भी कई कारण है एज ई सेड यू नो इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रीजन सार्थिक सामाजिक uh, सांस्कृतिक ये सब अगेन उसमें वो बात करते हैं कि जैसे सब सहारण अफ्रीका में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में कई ऐसे देश हैं जो गरीब तो हैं लेकिन वहाँ पे देट इज़ अ पॉजिटिव वुमन रेशियो अगेन देर कुड बी अ लॉट ऑफ रीजन्स फॉर दिस एस्पेशली व्हेन समथिंग लाइक जब आप थाईलैंड जैसे देश की बात करते हैं जहाँ पे कि Uh, जो वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज़ इज़ लाइक यू नो टूरिज्म एंड प्रोस्टिट्यूशन सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड वहाँ पे औरतें क्यों ज़्यादा है बट अमर जैसे अगेन डज नॉट गोइंग टू दैट क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी बना रखी है और वो बस वही आपको बताएंगे जो उनकी थ्योरी से मैच करता है सो बट अगेन वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दिस एस ए वॉज रिटन ट्वेंटी ईयर्स अगो नाइनटीन नाइन्टी जिस स्थिति में हम उन्हें क्रिटिसाइज़ करने की है वो क्योंकि हम 20 साल बाद बात कर रहे हैं ये आर्टिकल बहुत पहले लिखा गया है वैसे वो आते हैं कि पंजाब और हरियाणा जो कि एक तरह से वन ऑफ द टू ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स है इंडिया में उसमें रेशियो पॉइंट एट सिक्स है लेकिन केरला जो कि तुलना में काफ़ी गरीब स्टेट माना जाता है उसमें रेशियो 1.03 है बट अगेन ही डज नॉट टॉक अबाउट द फैक्ट दैट केरला हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इंडिया में सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट केरला में है वो ये चीज़ अमर सेन नहीं बात करते इसके बारे में और हाँ इसी के आ, आगे चलते फिर अमर सेन जो कल्चरल और सामाजिक फैक्टर्स की बात उठाते हैं वो कहते हैं कि इंडिया का जैसे क्या है आर्थिक विकास पिछले कुछ आ, कुछ दशकों से बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी क्या है बिकॉज विमेन हैव एन अनिक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स इसलिए औरतों का दर्जा अभी तक वैसा ही है ज़्यादा कुछ उसमें इतना भी फर्क नहीं पड़ा है और इसीलिए क्या है उनका अभी भी मोरटैलिटी रेट पे मोर्टैलिटी रेट इज़ स्टिल बैड कंपेयर टू मैन क्योंकि हमारे समाज में मर्द हसन कहते हैं जैसे कि अगर क्या है आर्थिक विकास हो भी जाता है तो उसका मेजर फायदा क्या है बस मर्दों को मिलता है और इसलिए वी स्टिल हैव ऑल दीज मिसिंग वीमेन तो इन सब के बीच में फिर क्या है फाइनली अमरज्यासें उनकी तरफ से वो एक रिकमेंडेशन देते हैं सोल्यूशन देते हैं मेजरली उनको ऐसा क्या लगता है कि अगर हमें ये चीज़ें बदलनी है सबसे पहले सबसे बड़ा स्टेप तो ये हो सकता है अगर औरतें क्या है घर से बाहर जाके कुछ गेनफुल uh, एम्प्लॉयमेंट करे कुछ गेनफुल काम करे जिससे जिसे क्या है अर्थशास्त्र के सिस्टम में काउंट किया जाए जिससे वो कुछ अपनी तनख्वाह भी सैलरी कमा पाए इससे उनका क्या है अपने परिवार में अपनी खुद की नज़रों में और समाज में भी दर्जा बढ़ेगा और शायद इसी के चलते ये जो हम सामाजिक कारण बता रहे सांस्कृतिक कारण बता रहे धीरे धीरे ये भी बदल सकते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं औरतें भी बहुत काम करती है खासकर अगर आप आस पास देखें हमारे पहाड़ों में तो औरतें ही ज़्यादा काम करती हैं चाहे खेतों में हो और अब क्या है कई जॉब भी करती हैं तो एनी वे सो ऑल ऑफ दिस लेकिन जो भी घर का जो काम होता है यू नो इट इज़ नॉट काउंटेड ये हमारे जी डी पी ये सब में कहीं इसकी गिनती नहीं होती अर्थशास्त्र के सिस्टम से ये बाहर है जो आपकी माँ रोज़ क्या है आपके लिए शायद रोटी दाल खाना बना रही है घर की सफाई कर रही है जानवरों की देखभाल कर रही है वो सब काम क्या है अर्थशास्त्र के सिस्टम में नहीं गिना जाता है यू नो सो इनोवे इट इज़ ऑल अनपेड एंड थैंकलेस वर्क हालांकि इसके बिना शायद बाकी कुछ भी काम ना हो पाए देश में सोचिए आपके डैड शायद जॉब ना जा पाए या अपने खेतों में ढंग से ना काम कर पाए अगर आपकी मदर शायद घरों में कहाँ का काम का छोड़ दे लेकिन गिनती बस क्या है जो काम मर्द जो टिपिकली जो बाहर करते हैं उसकी होती है सो अमर्त्य सेन वॉन्ट्स टू चैलेंज दैट ही सेज़ कि इन चीज़ों से का, काफ़ी चीज़ें एक तो क्या है मोर्टैलिटी रेट ये सब तो बाद की बात है पहले तो जो समाज में जो एक इम्बैलेंस है औरतों मर्दों को औरतों और को लेके उससे क्या है जब औरतें एजुकेशन लेंगी अच्छी और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट बाहर घर के बाहर निकल के काम करने लग जाएंगी तो वो बहुत कुछ सीखेंगी एम्पावर होंगी और साथ ही साथ उनके पास अपनी क्या है एक आत्मनिर्भरता होगी जो फाइनेंशियल सेल्फ डिपेंडेंस कहीं ना कहीं वो अपना पैसा जब खुद कमाएंगी तो उनके पास अपनी एक अलग शक्ति होगी जिससे वो जो बाकी जो फैक्टर्स को थोड़ा बैलेंस कर पाए ऑल्सो एक और बात है कि विमेन यू नो आइडियली अगर आप देखें कम से कम 50 परसेंट औरतें होनी चाहिए तो जब आप इस 50 परसेंट पॉपुलेशन को बस घर के अंदर कैद कर रहे हो और ऐसा काम करवा रहे हो जिसकी कोई गिनती नहीं है हमारे आर्थिक सिस्टम में तो ऐसे में क्या है या तो Uh, ऐसे में जब ये औरतें कुछ अलग से बाहर काम करने लग जाएं पैसा कमाने लग जाएं तो जो आधी पॉपुलेशन को जो आपने एक तरह से अन इकोनॉमिक टर्म्स में अनप्रोडक्टिव बना दिया है वो सब भी क्या है प्रोडक्टिव काम करने लग जा सकते हैं और इससे औरतों का ही नहीं पूरे समाज पूरे देश का पूरे परिवार का हित होगा और इसी के चलते उनके अपने राइट्स भी सेफ गार्ड होंगे क्योंकि पास उनके पास अपने ही संसाधन होंगे वो जो काम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे और इसी से धीरे धीरे शायद हमारा समाज बदलेगा ताकि हम ऐसी स्थिति में पहुँचें वेन वी विल नॉट हैव एनी मोर मिसिंग विमेन एक मेजर कारण जो लोग व्हाई पीपल प्रेफर बॉयज़ टू गर्ल्स इज क्योंकि लड़के जो खासकर जो गरीब uh, वर्गों में कि लड़के क्या है कमाऊ होते हैं लड़के बाहर जाके पैसा कमा सकते हैं परिवार का ध्यान रख सकते हैं तो ऐसे में अगर लड़कियां भी काम करने लग जाएं और फ दे स्टार्ट अर्निंग फिर ये जो धीरे धीरे ये जो नोशन है ये जो आइडिया है कि हमें लड़के चाहिए शायद ये भी बदलने लग जाए और इंडिया में भ्रूण हत्या फीमेल इन्फेंटिसाइड इस टाइप की चीज़ें होना शायद बंद हो जाए सो ऑल इन ऑल ही टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दिस कि कैसे हमारे समाज में एक तरह से अगर इनके नज़रिए से देखें तो कुछ दस करोड़ औरतें मिसिंग है और हम क्या कर सकते हैं इसको सुधारने के लिए और कि एक दिन ऐसा है जब देर विल बी नो मोर मिसिंग वेमेन दैट्स दैट एंड टेक द्वेश्चन और हाँ कुछ भी आपके डाउट्स होंट्स सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट इससे थोड़ा मुश्किल है कोई आपके डाउट्स हों तो मुझे बताइएगा एंड दैट्स इट थैंक यू